सर उनका टेंथ हाउस है उनका ये था कि सर बचपन से ही हमने अपने बच्चों को मतलब बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करनी है उन्होंने पूरी छूट दी मतलब ये था कि जहाँ तक वो हो सकता है उससे ज़्यादा ही किया उन्होंने उससे ज़्यादा ही किया मतलब खुद पर सबसे मेन ये था कि मतलब घर वालों के लिए कुछ अच्छा करना है अच्छे इज्जत होगी मतलब जो जैसे होगा मतलब जॉब की वजह से और जो भी है ये था कि पेरेंट्स को मतलब हमेशा एक खुशी मतलब वो जो प्रोवाइड करवाने एक एग्ज़ाम नहीं हुआ फाइनल में नहीं हुए क्यों नहीं हुआ नहीं। क्यों नहीं कर रहा वहाँ क्या कर रहा है ये नहीं, नहीं कर रहा मतलब कई बार पेरेंट्स ताने भी मार देते हैं तो देखो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करके ऑल इंडिया सेकंड रैंक लाई आज मैं ऐसे पेरेंट्स को सलाम करना चाहूँगा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका रैंक गुरु परिवार में आज आप एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनोगे जो हरियाणा में झज्जर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव डिगल से बिलोंग करता है और उन्होंने पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया और उन्होंने पूरे परिवार का नाम रोशन किया सी में ऑल ओवर इंडिया सेकेंड रैंक हासिल करके ऑल ओवर इंडिया सेकेंड रैंक लाना अपने आप में एक इतिहास की बात है कमाल की मेहनत रही होगी कमाल की स्ट्रेटजी रही होगी और कमाल की पढ़ाई उन्होंने की होगी जिस वजह से सेकेंड रैंक उन्होंने हासिल की देखो बच्चों सेलेक्शन लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है लेकिन रैंक लेकर के आना वो भी सेकंड रैंक लेकर के आना कमाल की बात है तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक सुनिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत काम की बातें होने वाली हैं आपके लिए बहुत काम की चीज़ें होने वाली हैं आप रिलेट कर पाओगे कि किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी से रिलेट करके कि आप भी एक दिन वन टू थ्री रैंक में नाम ले पाओगे तो स्वागत करते हैं यशज का जिन्होंने सी में ऑल इंडिया सेकेंड रैंक लेके तो स्वागत है जी yes. आपका परिवार में चलो तो तो सर सर मम्मी का, का नाम अनीता है वो एक हाउस वाइफ उनका ये था कि सर बचपन से ही हमने अपने बच्चों को मतलब बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करनी है और मतलब बेस्ट से बेस्ट जितनी फैसिलिटीज हो सकती हैं कोई मतलब जितनी भी उन्होंने पूरी छूट हाँ, दे दी मतलब ये था कि जहाँ तक वो हो सकता है उससे ज्यादा ही किया उन्होंने उससे ज्यादा ही किया मतलब खुद कुछ सेक्रीफा बहुत किए उन्होंने हमारे लिए पर बाकी हमें कभी ये मतलब ऐसा फील नहीं होने दिया कि हमें किसी चीज़ की कमी हुई है कोई कमी हुई मतलब कभी नहीं नहीं। भी जैसे कोई पढ़ाई के बारे में है किसी कोर्स के बारे में किसी टेस्ट सीरीज के बारे में है कभी कोई किताब लेनी है कोई बैच लेना है कभी भी मतलब ये फील ही नहीं हुआ और मेरी तो सर पर्सनली मतलब मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है मेरे पेरेंट्स के साथ मतलब वो सारी बातें शेयर कर लेते हैं मेरे साथ पापा का भी मतलब पापा के साथ भी उतनी अच्छी है मम्मी के साथ भी उतनी अच्छी है मतलब ऐसे एज ए फ्रेंड्स टाइप की है सर मतलब जैसे साथ ही बैठ के खाना खाते हैं साथ ही रहते हैं मतलब बच्चों का ऐसा होता ज्यादा जद, ज़्यादा वो नहीं होते फ्रेंड्स नहीं होते मेरे नहीं। नहीं। सर अच्छी है और मम्मी के साथ भी ऐसा है कि मम्मी भी जैसे साथ बैठ जाता हूँ मतलब हम मेरा ये है कि सर मैं फोर्थ क्लास से हॉस्टल में रह रहा हूँ अच्छा अच्छा तो काफी हो जाता है कि मतलब काफी टाइम दूर ही रहे हैं दूर ही रहे हैं पर फिर भी जैसे कुछ टाइम के लिए जब घर जाते हैं तो मतलब तो बड़ा लाड प्यार लाड प्यार मिलता है सर और मतलब बहुत खुशी रहती है उनको कि और काफ़ी टाइम था सर जैसे मतलब उन्होंने इतने सेक्रीफाइस किए इतना वो प्रोवाइड करवाया हमारे लिए पर अब जैसे हमारा कुछ हुआ है तो मतलब हमने भी मतलब ये तो हमेशा मेरा मेन मोटिवेशन ये था सर कि मतलब जब मेरा कुछ हो जाएगा तो उनके लिए कुछ करना है अपना तो सर था ही मतलब पर सबसे मेन ये था कि मतलब घर वालों के लिए कुछ अच्छा करना है अच्छा उनकी इज्जत होगी मतलब तो जैसे होगा मतलब जॉब की वजह से और जो भी है बाकी था कि पेरेंट्स को मतलब हमेशा एक खुशी मतलब वो जो प्रोवाइड करवाने जाते थे आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन पेरेंट्स रहे हैं तो इज्जत ही नहीं आपने तो नाम रोशन कर दिया मैं तो चाहूँगा आपसे रिक्वेस्ट है कि डिगलवासियों गाँव गाँव में पूरे झज्जर में ये वीडियो फैला दो है ना इनका जो ड्रीम था मतलब इन्होंने मेहनत की उसके लिए और इन मेहनत रंग लाई ठीक है इन मतलब इनके पिताजी का इतना इतने प्राउड फीलिंग होनी चाहिए कि हर बच्चा हर घर में जब ये वीडियो चले तब तो उनके पेरेंट्स और उनके बच्चे भी ये सीखें कि हमें भी ऐसा बनना है और आज मैं ऐसे पेरेंट्स को सलाम करना चाहूँगा हमेशा से मतलब एक सप सपोर्ट था सर उनका मतलब ये नहीं है कि एक एग्जाम एक नहीं हुआ फाइनल में नहीं हुए क्यों नहीं हुआ नहीं क्यों नहीं कर रहा वहाँ क्या कर रहा है ये नहीं, नहीं कर रहा मतलब होता है सर कई बार पेरेंट्स तान्य भी मार देते हैं मतलब वो थोड़ा सा हो जाता है बच्चा उससे डिमोटिवेट हो जाता है मेरे पेरेंट्स का ही था सर उन्होंने हमेशा ये मतलब एक सपोर्ट किया और मतलब एक विश्वास जताया कि तू पढ़ रहा है तू अच्छा कर रहा है तेरा हो जाएगा मतलब वो हमेशा मतलब एक कभी ये नहीं वो बैकअप था सर मतलब हमेशा नहीं। नहीं। उनका मतलब लग और यही फिर एक मोटिवेशन भी बनता है कि ये इतना हमारे ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं इतना अच्छा कर रहे हैं तो हम कुछ करें करें उनके लिए बहुत बढ़िया जैसे सर बड़ा भाई है मेरा जैसे कोई कभी भी जैसे कई स्टेज आते हैं सर जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कुछ पूछना है तो उसमें सर मेरे बड़े भाई का काफ़ी हो रहा मतलब गाइडेंस को लेकर कुछ बताना है ये ऐसे तैयारी कर लो इस चीज़ की कर लो तो उनका भी सर काफ़ी रोल रहा है ओके। तो ऑल इंडिया रैंक टू और सलेक्शन का क्रेडिट किस को देना चाहोगे सर मैं तो अपनी फैमिली को और अपने टीचर्स को सर क्रेडिट धन्यवाद तो मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हो यस सर हाँ तो देखो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करके ऑल इंडिया सेकंड रैंक लाई तो सबसे पहले बच्चे यही जानना चाह रहे होंगे आप लोग कि पढ़ाई कैसे की यही जानना चाह रहे हो ना हाँ तो पढ़ाई कैसे की किस तरीके से स्ट्रेटजी रही किस तरीके से गाइडेंस रही और किस तरीके से किसी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग किया ये आप ज़रूर जानना चाह रहे होंगे और ये बातें सारी आपको पता चलेंगे लेकिन लास्ट तक आप बने रहोगे तब आपको मालूम चलेगा तो तैयारी ग्रेजुएशन के दौरान ही शुरू कर दिया मतलब कुछ दिन जैसे ट्वेल्थ क्लास निकलते ही बच्चा सोचता अब मैं आज़ाद हाँ आज सर थोड़ा तो थो हुआ था जैसे सैनिक स्कूल में थे तो वहाँ का माहौल अलग था जैसे जो बाहर बच्चे पढ़ते हैं उनको तो थोड़ी सी आज़ादी और वैसे होते हैं फ्रीडम होती है हमारे कि वो अलग टाइप का माहौल था स्कूल में पर बाहर आने के बाद एक बार तो थो थोड़ा होता ही है कि थोड़े से अब तो ना घर वाले हैं ना कोई टोक रो, टोक तो तो, 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 है जिस टाइम सोना है सो कॉलेज में भी ऐसा वो नहीं होता थोड़ी सी ना जाओ चले जाओ ऐसे तो फिर थोड़ा तो था पर यह था कि हम साथ, -साथ एन डी की तैयारी कर रहे थे सर उस टाइम पर तो, तो एन की तैयारी करते रहते थे उस टाइम के साथ में जैसे मेरा एन का एग्ज़ाम दो बार हुआ था मैं पहली बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था दूसरी बार स्क्रीन आउट हुआ था सर तो एक बंधन के बाद जब बच्चा आज़ाद होता है ग्रेजुएशन में जाता है तो कई बच्चे भटक जाते हैं और मतलब ऐसे रास्तों पे चल लेते हैं कि तीन चार साल बाद उसको रियलाइज होता है कि भी कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी और मैंने क्या खो दिया तो आपने अपने भटकाव को कैसे रोका सर ऐसे कम्प्लीटली तो मैं भी नहीं बोलूँगा कि मैंने बिल्कुल ही थोड़ा सा वो भटकाव नहीं आया हमारी ज़िंदगी में हम स्पीदे पड़ते ही रहे थोड़ा बहुत तो डिस्ट्रैक्शन होता ही है जैसे बाकी जो हमारा ये था कि सर जैसे एक एक एम था ये पता था कि क्या करना है क्या करना उस टाइम पे ये डेफिनेट था कि मतलब एनडीए करना है पहले उसके बाद बाद की की होने के बाद ये हो गया था कि CDS और करना है थर्ड second, में में तो उसी प्रिपरेशन लगे रहते थे सब। नहीं, नहीं। नहीं। देखो जरूर हासिल करते हो। आपको ये क्लियर रहना कि मुझे करना है, ठीक है, कुछ दिन भटक गए लेकिन अपने फिर से है क्योंकि आपका एम ही डिसाइड करेगा कि आपकी जिंदगी बनेगी कैसे था इस वजह से आई आर सेकंड रैंक लेकर के आए तो आप भी अगर मान लो अभी भटक चुके हो तो अपने आप को संभालो और अपने आप को मेहनत की तरफ झोंको और मेहनत करो और आप कामयाबी हासिल करोगे और आप जो चाहते हो वो आप बनोगे इनका एक क्लियर था कि मुझे ये करना ही करना है चाहे वो एफ कैट हो चाहे वो सी पी ओ में हो या सी जी एल ओ या किसी भी जो भी आप टारगेट बना रहे हो उस टारगेट की तरफ आप फिक्स रखो कि यहाँ पहुँचना ही पहुँचना है तो एस एस सी की तैयारी करने के लिए सबसे पहले मुखर्जी नगर में आए यस सर अच्छा तो मुखर्जी नगर में मेरे बारे में कैसे पता चला और पूरी टीम से कैसे जुड़े सर हमारे मतलब एक दो सीनियर थे जैसे एक विकास दैया था अमित हाँ, हाँ, मलिक था वो आपसे सर पहले रैंकर्स फर्स्ट बैच था आपका हाँ, तब से जुड़े हुए थे मतलब बहुत पुराने स्टूडेंट थे।, हाँ, थे, थे थे वो कैंपस में रहते तो उनसे मतलब हमारी मतलब बोल चाल थी ऐसे ही मिलते रहते थे हम तो उन्होंने बताया था सर आपके बारे में आप रीजनिंग पढ़ाते और पर्सनल जो आपका गाइडेंस वगैरह है मतलब आप पर्सनली जो बच्चों से मिलते थे शेड्यूल वगैरह बताते थे तो उससे ये लगा था कि एक बार मतलब जब तक तो तैयारी करनी स्टार्ट की तो रीजनिंग वगैरह नहीं आती थी उसमें तो पहले रीजनिंग का देखा था एक बार रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं अच्छा हाँ तो फिर पहले जब आपका देखा तो पहले यूट्यूब पर ही देखा सर हमने तो यूट्यूब पे कुछ सिलोलिज्म वगैरह की वीडियोज़ थी और काउंटिंग फिगर्स की कैलेंडर की जो बेसिक हैं वो तो हाँ। ही जाते हैं थोड़े से हार्ड होते हैं टॉपिक्स को ये देखे मैंने तो फिर ये लगा कि है मतलब समझ अच्छा आ रहा था आपकी वीडियोज़ को देख के लगा कि कुछ मतलब फिर देखा तो फिर पता किया तो सर उस टाइम पे आपका वी ओडी बच था का, तो मैंने वो वी ओडी बैच ले लिया था सर फिर अच्छा रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन किया था तो रिकॉर्डेड बैच से फिर उसके बाद कंटिन्यू किया सर तो आपके दोस्त अमित मलिक और विकास दैया मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से जानता हूं और आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको भी सलाम है क्योंकि आप दोनों ने भी सिलेक्शन लिया है ये दोनों बच्चे भी बड़े प्यारे थे रैंका स्कूल कैंपस में ये रहते थे रैंकसू कैंपस में रह कर के इन्होंने बड़े तरीके से तैयारी की एक्चुअल में कैंपस में हम बच्चों को रखते हैं आपको उस टाइम 2022 में पता ही था कि कैंपस में रखने का उद्देश्य यही है कि एक बच्चे का प्रॉपर तरीके से शेड्यूल बनाया जाए एक बच्चे को प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दी जाए एक बच्चे को तरीके से तैयार किया जाए मतलब वहाँ पर रहने वाले सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का रेशियो ऑफ सलेक्शन मैंने देखा है कि वहाँ जो रह लिया कि सलेक्शन निकल ही जाएगा और फिर वही स्ट्रेटजी बच्चे मुखर्जी नगर में आज भी मेरे से आकर के सर शेड्यूल बना दो सर स्ट्रेटजी बता दो आज भी मैं आप देख रहे हो तो आप भी आओगे मैं आपको टाइम दूंगा लेकिन बस कंडीशन एक है आप डेडिकेटेड होने चाहिए अगर मैं आपको टाइम दूँ आधा घंटा एक घंटा तो आप मेरे को फॉलो भी करो तरीके से मेहनत भी करो आज भी बच्चे मेरे पास आते हैं मेरे तो को बड़ी खुशी होती है बच्चों को गाइडेंस दे करके स्ट्रेटजी दे करके और मैं इस तरीके से ही प्रमोट होता जा रहा हूँ कि रीजनिंग सब्जेक्ट एक तरफ है और गाइडेंस और स्ट्रेटजी ज़्यादा जरूरी है कि रीजनिंग तो बच्चा स्ट्रॉन्ग कर ही लेगा लेकिन मैं जो गाइडेंस और स्ट्रेटेजी कैसे मैथ्स पढ़ना है कैसे इंग्लिश पढ़ना है कितना टाइम देना है ये बहुत फोकस करता हूँ

थोड़ा ऐसे सी में आए तो थोड़ा तो चेंज होता है सर तो वो चेंज हुआ तो सर मतलब मतलब होता रहते क्वेश्चन पर उतनी परफेक्शन नहीं आ रही थी सर स्कोर इंक्रीज करने के लिए तो फिर आपसे बात होती रहती थी सर आपने बोला था कि आदित्य सर आदित्य रंजन सर का बैच ले लो तो सर मैंने सर का अभी वी ओडी बैच ही लिया था सर वी ओडी तो प्रेफर इसलिए करता हूँ क्योंकि सर उसमें ये है कि अपनी स्पीड से पढ़ सकते हो और मतलब अपना जो आपका है क्या मतलब जो भी टॉपिक आपको मतलब स्पेसिफिक देखना है पहले देख लो बाद में देख लो उसको

ये मान लो फिफ्टी क्वेश्चन तो ईजी होते हैं वो कर लेते हैं बच्चे जो फिफ्टी आपको ये लगे थोड़े बहुत डिफिकल्ट है उनको मार्क कर लो मार्क कर लो फिर एक बार एक दो बार उनको करो तो फिर ये पता चल जाएगा इसमें से ये दस पंद्रह क्वेश्चन तो ज्यादा डिफिकल्ट है वो डबल मार्क हाँ, वो डबल मार्क ये मैं ऑफलाइन में भी सर आपकी आपकी स्ट्रेटेजी है सर्कल कर लो फिर दोबारा रिपीट करो फिर डबल सर्कल तो फिर बाद में जब आप वो करोगे मतलब रिवीजन के टाइम पे आपको ये हो जाएगा कि आपको सौ सो क्वेश्चन सोल्व नहीं करने आपको पंद्रह क्वेश्चन जो मुश्किल आपको जो फंस रहे थे जिन क्वेश्चन हाँ। में आपको वही सोल्व करने वही सोल्व करने चलो बहुत बढ़िया बढ़िया आदित्य रंजन सर का बैच लिया उनका भी सर पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा है वो भी बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं हाई ऊपर लेवल तक अच्छे से पढ़ाते हैं तो उसके बाद वो सर के भी मैंने क्लास नोट्स तो बना लिए फिर मैं अपने क्लास नोट्स बना लेता हूँ तो बार बार उन्हीं को रिवाइज करता हूँ और सर ने भी जो शीट्स वगैरह प्रोवाइड करवाई थी तो रीजनिंग और मैथ्स में आपके मार्क्स कितने थे रीजनिंग और मैथ में सर प्री में इस बार सी पी ओ में थे सर मेरे फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन फाइव मार्क्स थे इंग्लिश में भी ओ सॉरी मैथ में भी और रीजनिंग में reasoning भी reasoning. में में सर, दोनों में सेम ही थी दोनों में सेम ही था ये फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन फाइव अच्छा अच्छा चलो इंग्लिश के मार्क्स तो हम मेंस में जानेंगे नहीं। क्योंकि सीपीओ में आपको पता है कि मेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश रहती है क्योंकि इंग्लिश ही, ही आती है तो मेंस के मार्क्स जानेंगे वो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा और मेंस की स्ट्रेटजी और प्री की भी वो स्ट्रेटजी जानेंगे क्योंकि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके सी पी ओ को लेकर के ठीक है अब तो सीजीएल में भी इंग्लिश सबसे ज्यादा वेटेज कर दी वेट मार्क्स कर इंग्लिश कर दी सी पी ओ में तो पहले से ही थी तो इंग्लिश बच्चों की अक्सर वीक रहती है और नहीं। 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 खास करके अपने हरियाणा और इस यूपी या बिहार राजस्थान इन बच्चों के ये हिंदी मीडियम के बच्चे रहते हैं तो इनकी इंग्लिश बड़ी कमजोर रहती है तो आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो आप तो मैं तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाऊँ तो अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़े तो किस तरीके से इंग्लिश की स्ट्रेटजी रहनी चाहिए सर जैसे मुझे लगता है कि जैसे जो गांव से बच्चा आता है उसको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता उस चीज़ को लेके कि मुझे मैं इंग्लिश कर लूँगा uh -huh. पर मतलब इंग्लिश भी एक लैंग्वेज ही है अगर आप उस पर टाइम दोगे पढ़ोगे अच्छे से तो वो हो जाती है आप मतलब एक तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी इंग्लिश की uh -huh. जैसे कुछ नॉवल्स वगैरह पढ़ लो uh -huh. ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट आप कुछ मतलब एटॉमिक हैबिट्स टाइप या कुछ मतलब जो फेमस नॉवल होती हैं जो मार्केट में वो बच्चे वो ले लेते हैं जाके तो उनको पढ़ना मुश्किल हो जाता है मुश्किल हो जाता थोड़ी है थोड़ी आप मतलब फ़िक्शनल पढ़ो चेतन भगत पढ़ो जो बच्चों को अच्छी लगती है अपने टाइप की जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं क्राइम वगैरह से रिलेटेड लव स्टोरी टाइप वो पढ़ लो बाकी जैसे कभी मैच देख रहे हो तो आई जैसे कमेंटेटर इंग्लिश में सुन लो न्यूज़ देख रहे हो तो इंग्लिश में देख लो और थोड़ा बहुत कभी मन किया तो इंग्लिश से थोड़ा रिलेशन बनाओ हाँ, बेसिक ये है कि जब तक आपको वो फिर कॉन्फिडेंस आने लग जाता है खुद पे कि हाँ मुझे आती है मैं कर लूंगा जो अपना बेसिक है वो करना पड़ेगा जैसे ग्रामर करनी पड़ेगी वो कैब करनी पड़ेगी वो बेसिक कर लो एक बार एक बार बेसिक कर लिया उसके बाद आप फिर फोकस करो टोटली पी वाई क्यू पर पी वाई क्यू की जितनी भी वो कैब है लास्ट फोर फाइव ईयर्स की वो कर लो जितने एरर के क्वेश्चन आए हैं वो कर लो फिर एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई है इंग्लिश में तो आप कॉम्प्रीहेंशन वगैरह सोल्व करो पैराजंबल सोल्व करो जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे जितने मोक देते जाओगे उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आता रहेगा और ये मत सोचो कि हमें मतलब होगा ही नहीं हमारा मतलब बच्चों के मन में ये हो ही जाता है मैं पढ़ भी लूँगा तो मुझे इंग्लिश तो आएगी ही नहीं हाँ तो ये मतलब मन में अगर कोई भी यही एग्जाम को लेकर सके बच्चों को कि मैं पढ़ूंगा मतलब मैं पढ़ भी रहा हूँ मैं फिर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है अंदर से तो वो कॉन्फिडेंस को लेके आना मतलब एग्जाम क्लियर करने के लिए मेरे हिसाब से सबसे मेन यही है कि आप पढ़ रहे हो तो अपने ऊपर भरोसा रखो आपका एग्जाम होगा तो जैसे टीचर्स पीडीएफ डाल देते हैं प्रशांत सर के चैनल पे भी आती हैं और बाकी चैनल्स पे भी पी वाई क्यू की जैसे अब एक एग्जाम हुआ सी जी एल का दो हज़ार बाईस का तेईस का तो उसकी अलग से वो कैब आ जाती है आप वो निकलवा लो वो पढ़ लो उसके नए क्वेश्चन जो एरर के आए हैं वो सोल्व कर लो तो वो अपने आप को अपडेटेड करते रहो एक अपनी अलग से वो कैब की नोटबुक ज़रूर बना लो कि जिसमें आपको कोई नया रूल लगे कोई नया वर्ड लगे प्रीवियस ईयर का तो उसको लिखते रहो और उसको बार बार रिवाइज करते रहो सर जैसे एक वो मतलब ये तो था कि आती थी इंग्लिश मतलब अच्छा, ये था मतलब डाउट नहीं था उसमें पर ये था थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस नहीं होता था जैसे एक एग्जैक्ट नहीं पता होता था मतलब ये पता लग जाता था इसमें ये कुछ Error, गलती, गलती, गलती है, है पर वो परफेक्ट नहीं पता होता था कि ये इस वजह से रीजन गलती, क्या है? रीजन क्या है और क्यों गलत है तो वो बैच करने के बाद ये पता लग जाता है कि रूल्स वगैरह अच्छे हो जाते हैं कुछ बेसिक जो वो कैब होती है वो इतनी अच्छी हो जाती है कि उनसे पता लगने लग जाता है कि आपकी क्या गलती है वो वो कॉन्फिडेंस आ आ जाता है और कुछ और कुछ है 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 में एरर भी तो क्यों हाँ, क्यों हाँ, हाँ कि कि और वो nice आ जाती मतलब ये डाउट नहीं रहता कि मैंने कुछ छोड़ दिया है प्रशांत सर ऑलरेडी आपकी तरह दिल्ली पुलिस है यस सर है ना और सीपीओ में उनके मेन्स में सबसे ज्यादा मार्क्स आए सर ठीक है ठीक है कॉम्प्रीहेंशन में बड़ा डर लगता है बच्चों को बट फिर भी उनके एक डर रहता है तो उसमें कैसे स्ट्रॉन्ग करें बच्चा जैसे रीडिंग हैबिट है ना वो थोड़ी सी डेवलप करनी ही पड़ेगी आपको okay. जैसे आप सी पी ओर सी दे रहे हो तो आपको करना ही पड़ेगा उसमें कोई वो डाउट नहीं मतलब ये नहीं लेके चलना कि मैं छोड़ देता हूँ हो जाएगा आप रीडिंग का ही है कि सर बच्चे दस पंद्रह दिन ही करते हैं ये सोचते हैं रिजल्ट तो दिखा नहीं मुझे मार्क्स तो बढ़िया नहीं मेरे तो छोड़ दे तो वो आप तीन चार महीने रेगुलर करो मतलब फिर आपको रिजल्ट दिखेंगे आप फेमिलियर हो गए से आप पैसेज पढ़ोगे तो आपका उसको मतलब मतलब समझ में आएगा उसका और आप अच्छे से कर पाओगे और

इंग्लिश में मेंस में क्या स्कोर था आपका मेंस में सर मेरे 187 एट्टी मार्क्स थे सर 187 एट्टी मार्क्स थे बहुत बढ़िया है ना तो रीजनिंग मैथ इंग्लिश तो आपने स्ट्रॉन्ग कर ही ली थी जीएस एस आप बोला जाता कि किंग मेकर थी किंग मेकर है किंग मेकर रहेगी है ना लेकिन जी से बच्चा बोर बड़ा होता है जी से डरता बहुत है जी याद होगी कि नहीं होगी जी पे बच्चा खास करके सुनना चाह रहा होगा कि जी बच्चा कैसे स्ट्रोंग करे और खुद से पढ़े या बैच से पढ़े या टीचर्स का कितना फॉलो करे या क्या रहे जी में वो आपका क्या राय है सर मतलब स्टार्टिंग में अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हो तो पहले एक टीचर को फॉलो करो हुँ. जो आपको पता चल बताएंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है कैसे पढ़ना है हुँ. एक बार आपने टीचर से पढ़ा जैसे मैंने पढ़ा टीचर सर से आपका जैसे मैंने रिकॉर्डेड बैच लिया है वो बाद में लास्ट में हाँ जो लास्ट में हुआ था जब मेरा हो गया था कि बाकी सब्जेक्ट्स तो अच्छे हो गए हैं अब जी में स्कोर करना है तो मैंने लास्ट में वो ले लिया अच्छा हाँ तो आप एक टीचर्स को लो उनको फॉलो करो और उन उनके क्लास जो आपको पढ़ रही हैं जो आपको क्लास नोट्स मिल रही हैं और आप अपनी क्लासेस रेगुलर ले रहे हो आप अपने क्लास नोट्स बना लो क्लास नोट्स को आप बार बार रिवाइज कर लो और एक बार आपका कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का फायदा ये होगा कि जैसे आपको ये पता क्लियरिटी हो जाए कि एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं और आप फिर उसके बाद थ्योरी पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या क्या करना है कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं क्या किस पार्ट पे ज्यादा फोकस करूँ किसको छोड़ दूँ तो ये पता फैमिलियरिटी ज्यादा हो जाती है सर तो टीचर्स का पढ़ाया हुआ कितना काम आता है मतलब टीचर्स का सर जैसे कई बार ये होता है कि कोई कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे मैंने लूसेंट भी पढ़ रखी है पाथ फाइंडर पढ़ी थी सीडीएस के टाइम पे तो उनमें वो अच्छे से समझ नहीं आते सर और वो मतलब बोर हो जाते हैं उसको पढ़ते पढ़ते मतलब वो मतलब ऐसा कुछ तो टीचर्स पढ़ाते हैं तो सर वो थोड़ी एनिमेशन भी होती है थोड़ा सा स्टोरी भी होती है मतलब कोई हिस्ट्री से रिलेटेड तो कोई स्टोरी बता दी टीचर्स ने तो उससे वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है सर और वो याद कोई जब पढ़ा रहा है तो वो याद जल्दी होता है समझ आ जाती है, समझ जाती है। वो किताब पढ़ जब पढ़ते हैं तो रिलेट कर हाँ, रिलेट हैं। कर पाते हैं उसी हटना नहीं पड़ता एक चीज़ तो ये फायदा होता है सर जी एस में तो जी में प्रीवियस ईयर का कितना क्या रोल है सर प्रीवियस ईयर का मैं तो हर एक सब्जेक्ट में मतलब ये तो आप प्रीवियस ईयर के करे बिना तो एग्जाम देने जा ही नहीं सकते मतलब होगा नहीं आपका मतलब अगर आपको अच्छा स्कोर करना है अच्छी रैंक लेनी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मस्ट हैं प्रीवियस ईयर को करने के बाद आपको ये पता चल जाता है कि अब ऐसा तो है नहीं कि एक एग्ज़ाम में एग्जामिनर बिल्कुल ही कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर देगा कि बिल्कुल ही चेंज कर देगा तो वही पैटर्न रहता है सर मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में तो वो फिर मतलब फेमिलियरिटी रहती है कि ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं इन्हीं टॉपिक से आ रहे हैं तो वो पी, पी वाई क्यू करने के बाद अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहता है और थ्योरी में फिर हम अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं वो मतलब क्या क्या पढ़ना है कैसे करना है वो और मॉक टेस्ट का आपका क्या रिव्यू है कि जितने तो ज्यादा जितने जितने, से ज्यादा आप मॉक दे सकते हो उतने दो प्री उतने के लिए भी मेंस के लिए भी और जैसे शॉर्ट क्विजे होते हैं वो भी दो आपका जितना मॉक अच्छा होंगे उससे मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि सर जैसे बच्चे कई होते हैं वो पढ़ तो ज़्यादा लेते हैं पर वो अप्लाई करना नहीं आता आप कितना भी पढ़ लो कितनी भी स्ट्रेटजी डेवलप कर लो कितना ही थ्योरी कर लो सो प्रैक्टिस भी कर लो ऑफलाइन पर जब तक आप मौक नहीं दोगे मतलब कंप्यूटर पे नहीं बैठोगे सॉल्व नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कैसे होगा जैसे सर आपने भी बताया था कि राउंड वाइज क्वेश्चन करने हैं क्या कब कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है फिर वो दोबारा कैसे करना है दूसरे राउंड में कौन सा करना है क्वेश्चन वो बातें बहुत ज़रूरी हैं और मोक अटैम्प्ट करने के बाद एनालिसिस उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे मॉक में आपने एक घंटा दिया है तो एक डेढ़ घंटा आप दो एनालिसिस के लिए जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होती रहेगी वो एनालिसिस का टाइम बाद में कम हो जाता है जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन आते रहते हैं तो बाद में कम हो जाता है और आप सब्जेक्ट वाइज कॉपीज बना सकते हो उसमें आप जो क्वेश्चन नहीं आते वो लिख सकते हो, हो। लिख ठीक है और जितने मैं तो ये बोलूँगा जितने मैक्सिमम आप मॉक दे सकते हो उतने से ज़्यादा से ज़्यादा दो तो सी में ना फिज़िकल का भी बड़ा रोल रहता है और बच्चे सर, जानना भी चाहते हैं कि जो सी की तैयारी करते हैं तो फिजिकल का कैसे क्या करें सर फ़िज़िकल में हमारा तो सर थोड़ा बैकग्राउंड सैनिक स्कूल वगैरह का था और हम स्पोर्ट्स में सर स्टार्टिंग से एक्टिव थे बाकी सर जैसे हमारा भी भी ये है मेरा और सुमित का कि जैसे हम शाम को डेली अभी भी, भी मतलब पढ़ाई अच्छा। हो कुछ भी हो मतलब चल रहा है हमारा डेली का रूटीन है कि हम शाम को एक दो घंटे रनिंग के लिए जाते हैं एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए तो हमारा ये कंटिन्यूस रूटीन है बाकी जो बच्चों का है अब जैसे हो रखा है कि प्री के रिजल्ट आने के बाद एक ही महीना मिलता है फिजिकल के लिए तो उसमें जिस बच्चे ने पहले से प्रैक्टिस नहीं कर रखी उसका हो नहीं पाएगा हो नहीं पाएगा तो अगर आपको ये लग रहा है आपको सीपीओ की तैयारी करनी है तो आप पहले से फिजिकल की तैयारी करो और जैसे शाम को चले जाओ रनिंग कर लिया और हाई जंप लॉन्ग जंप है वो उसकी थोड़ी सी टेक्निक होती है आप जैसे दो चार बार वो टेक्निक पे फोकस करो तो वो अपने आप हो जाती है सर मतलब ये थोड़ा पहले से फोकस करो थोड़ी सी ट्रेनिंग आ, लेने की जरूरत है आ, उसके बाद प्रैक्टिस की जरूरत है तो मतलब पहले से लग जाओ मैं ऐसा नहीं कि आप रिजल्ट आएगा तो उसके बाद करेंगे, आप फोकस करेंगे होगा वो थोड़ा सा देखो कि पहले से ही कर रहे हैं तो उसमें बाद में फिर आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी चलो मतलब आपका टारगेट जब सी है ही तो हाँ। ये मान के चलो ना कि आपका प्री का रिजल्ट आएगा तो पहले ही फिजिकल रेडी रहे है ना तो मैं इसी तरीके से आप बेहतरीन फिजिकल की भी तैयारी शुरू करते रहो अच्छे से वैसे भी फिजिकल तो जिंदगी भर काम आना है तो यार मतलब जैसे मैं भी हरियाणा से हूँ तो एक चीज़ है कि हरियाणा में ना मतलब थोड़ा बाकी स्टेट में भी होता है हालाँकि लेकिन थोड़ा ना आपको भी पता है यारी दोस्ती ग्रुप है ना ये बड़ा रहता है कि यार दोस्त तो मतलब पार्टी सार्टी भी चलती रहती है <laughs> तो आप उस तरफ डाइवर्ट नहीं हुए या फिर कहाँ रहते थे कैसा ग्रुप था कैसे फ्रेंड्स थे हमारे तो सर मतलब हरियाणा वाले बच्चों का सर थोड़ा सा ग्रुप मतलब बड़ा ही रहता है बड़ा ही रहता आ, है और जैसे मतलब हो ही जाते हैं जैसे हरियाणा के दो मिल गए तो वो दोस्त हो गए आसपास में उनके साथ चार खड़े होंगे वो भी दोस्त बन उनके, उनके दोस्त हो गए वो भी हमारे दोस्त हो गए ऐसे ही तो हम तो मतलब काफी टाइम से भी रह रहे हैं जैसे पहले से ही दिल्ली रह रहे हैं ग्रेजुएशन टाइम से पर हम तो अभी तो सर गांधी विहार रह रहे हैं दो साल से सर दो साल से गांधी विहार रह रहे हैं वहाँ पे सर फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे हैं मतलब तो गांधी विहार का इलाका तो फिर मतलब पूरा नाम रोशन कर दिया होगा सर गांधी विहार मुखर्जी ने मतलब इसी साइड रह रहे हैं हम काफी टाइम से काफ़ी मतलब फ्रेंड्स हैं जैसे मेरा रूममेट ये हो गया सर एक तो वो भी काफ़ी टाइम से साथ रहा है सुमित यार नाइनटीन है जिससे प्रत्यूष है सर अंकित है और काफ़ी मतलब बहुत सारे फ्रेंड हैं सर मतलब मतलब नाम तो भाई उनको तो पता ही है जो दोस्त होते हैं हाँ सब का तो नाम ऐसे कैसे ले सकते हैं पर ये है कि सब मतलब सर बहुत काफ़ी मतलब फ्रेंड्स का भी एक रोल होता है आपकी लाइफ में मतलब ये नहीं है कि जब कई बार आप डिप्रेस होते हो मतलब कई बार लो फील करते हो कई बार जब उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे ये नहीं है कि आपको पढ़ाई पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते हैं मतलब कई बार जो वो खुशी भी चाहिए होती है सर जिंदगी में वो अच्छी जो हसी मजाक हो। होता है वो वो जरूरी है सर वो मतलब ये आप खाली पढ़ पढ़ भी नहीं सकते नहीं। कि आप दिन में पंद्रह घंटे पढ़ोगे ये करोगे तो वो थोड़ा बहुत जो टाइम होता है वो उनके साथ जब बैठते हैं अरे क्यों टेंशन ले रहा मेरे को देख चार साल से हाँ सर वो मतलब चलता अच्छा रहता है वो हसी मजाक और वो काफी लाइट रहता है माहौल उनके साथ जब बैठते हैं पढ़ाई की बातें भी होती रह क्योंकि सब मैक्सिमम तैयारी कर रहे हैं और वो कुछ अपनी जो एक्स्ट्रा भी मतलब पार्टी तो पार्टी चलती <laughs> है चलो बढ़िया नहीं लाइफ का वो भी एक जरूरी में पल होता है कि भी पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी जरूरी है सर है ना बिल्कुल ही ऐसा भी नहीं बनना चाहिए सीरियस सीरियस और पता चले बाय चांस कुछ ना हो पाए तो ताकि लड़ पाए जिंदगी से कि अगले साल कर लेंगे रिलैक्स रहे ताकि मतलब इतना भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि नहीं करना ही करना है है ना तो बढ़िया है मतलब दोस्तों का तो बहुत क्रेडिट रहा ही होगा सर्कल में समझ रहा हूँ मतलब जैसे मैं ही <laughs> बहुत बड़ा ही सर्कल बना होगा तो गांधी विहार वालों इस वीडियो को जरूर देखना ठीक है आपके दोस्त ने बड़ा कमाल <laughs> का काम किया है ना एक लास्ट मैसेज जो स्टूडेंट को आप देना चाहो कि स्टूडेंट किस तरीके से प्रिपेयर करें और आप जैसा बन पाए और दोबारा से मेरे सामने ऐसे ही रैंक में के ला कर के बैठे जैसे आप जब तैयारी स्टार्ट करते हो तो मतलब ये नहीं है कि मतलब आप एकदम से सोचो कि मुझे रिजल्ट मतलब बच्चे को यह होता है कि मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दिया मैं पढ़ने लग गया हूँ फिर वो थोड़े टाइम बाद वगैरह मॉक वगैरह दे के देखते हैं तो मार्क्स नहीं आते हैं तो आप थोड़ा सा टाइम दो पढ़ो पहले एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करो सेवेंटी एट्टी परसेंट उसके बाद मॉक देना स्टार्ट करो जैसे ये होता है कि कोई भी नया बच्चा आता है वो पहले किसी टॉपर की स्ट्रेटजी देख लेता है मतलब ये देख लिया कि उसने ये ये बता दिया तो मैं ये ये फॉलो कर लेता हूँ मेरी भी एक साल में ऐसी रैंक आ जाएगी नहीं। ऐसा नहीं होता है जैसे आपको है ना अपना पर्सनल देखना पड़ेगा कि मेरा बैकग्राउंड क्या है मैंने क्या पढ़ा है मेरा मुझे इंग्लिश मेरी अच्छी है नहीं है मेरा मुझे मैथ अच्छा आता है नहीं आता है और आपको उसके हिसाब से अपना टाइम देना पड़ेगा सब्जेक्ट को आपकी कोई अगर किसी का मेरा जैसे इंग्लिश अच्छी थी मैंने इंग्लिश को इतना टाइम नहीं दिया पर अगर कोई हिंदी बैकग्राउंड का बच्चा है तो उसे हिंदी को अलग से टाइम तो इंग्लिश को थोड़ा अलग से टाइम देना पड़ेगा तो आप टॉपर्स की स्ट्रेटजी देखो उनकी बुक्स देखो जो वो रिकमेंड करते हैं जो वो टीचर्स रिकमेंड करते हैं आप वो देखो फिर आप ये देखो कि आपको वो चीज़ें शूट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं और एक मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बच्चों का क्या होता है सर अब दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आ गया अब यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आ गया अब सी आ गया अब सी आ गया तो वो ऐसे भागते ही रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो अगर आप स्टार्टिंग फेज पर हो अपनी तो एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करो एक एग्ज़ाम एक को लेकर जैसे सी को लेकर अगर आप अपना सिलेबस पूरा करोगे तो आपके हर एक सब्जेक्ट मतलब हर एक पेपर की आपकी तैयारी हो रही है और अगर आप इस एग्ज़ाम पे भागते रहे उस एग्जाम पे भागते रहे तो आपको वो आपका कभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा और आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा खुद पे तो ये मेन रखो कि मुझे एक बार सिलेबस कंप्लीट करना पहले ज़रूरी है उसके बाद ही आप एग्ज़ाम्स के आप फॉर्म सारे फिल करो जितने भी एग्जाम्स हैं मैंने भी सभी किए हैं पर उसके उसके हिसाब से अपना शेड्यूल चेंज मत करो शेड्यूल अपना वही रखो जो आपका एक मेन एम है उसके हिसाब से अपना शेड्यूल रखो हर एक एग्जाम के लिए शेड्यूल मत बना मैं हमेशा मतलब मैंने मेरे एक यूट्यूब पर वीडियो भी पढ़ी है कि दो महीने बच्चा यूपी पुलिस की तरफ भागा तीन महीने बच्चा ने, नहीं नहीं मतलब एस की तरफ भागा दो महीने बाद फिर सी जी एल आ गया फिर सी की तरफ आ गया और एक भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। क्योंकि रास्ता ऐसे चलोगे तो कैसे होगा ना एग्जाम सारे देने चाहिए फिक्स टारगेट एक ही रखना चाहिए एक बार सर मैंने ये भी देखा जब आपके

तब जा के एक अच्छी पोस्ट और एक अच्छी रैंक आती है तरीके से अपने ऊपर रिस्क एनालिसिस करो जितना ज़्यादा खुद को बारे में जानोगे ना उतना बेहतरीन निकल के आओगे भाई मैं ये हूँ पहले ये था अब ये बन गया अब ये बन गया तो अब मैं टीचर से फिर से पूछ लेता हूँ भाई ना हो तो मेरे पास आ जाओ मैं पूरी तरीके से आपको गाइड करने के लिए ओपनली बोल रहा हूँ हमेशा आपके लिए तत्पर तैयार रहूँगा आप कभी भी आओ मुखर्जी नगर आकर के मिल लो है ना जैसे कल आप रैंक कैंपस में गए yes, तो कैंपस के बारे में आपको कैसा क्या लगा सर कैंपस का कैंपस का ही है कि सर बच्चों को एक कम वो मिल रहा है सर एक मतलब जैसे लाइब्रेरी भी वहीं पे है वहीं पे हाँ। वहीं पे खाना है वहीं पे, है वहीं पे रहना है वहीं पे क्लासेस हो रही हैं उनकी तो ऐसा मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं है वो एक अलग साइड में है मतलब जैसे यहाँ मुखर्जी नगर बच्चे आते हैं तो थोड़ा उनको डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा रहता है कहीं पीजी का देखना है कहीं खाने का देखना है कहीं लाइब्रेरी देखनी है फिर अलग अलग जगह पे जाना है मैंने जब कैंपस बनाया ना इस उद्देश्य से बनाया था में यही रीजन था नेहरू यार दूर इंदिरा विकास कॉलोनी दूर दूर मुखर्जी नगर बच्चा क्या करता था आधे घंटे में मुखर्जी नगर पहुंचता था फिर वो लाइब्रेरी में जाता था फिर वो पीजी में खाना खाने जाता था फिर लाइब्रेरी में फिर पहुंचता था आधा आधा घंटे कर करके पूरे दिन में तीन चार घंटे उसके खराब आराम से खराब हो जाता तो मैंने जब दो में शुरुआत की इसी वजह से की थी रोल की कि भाई एक ही जगह पर बच्चे को रहना खाना लाइब्रेरी क्लास कोचिंग सब कुछ दे दू yes, ताकि बच्चे का टाइम बच जाए yes, और पहले बैच में फोर्टी टू स्टूडेंट रखे थे yes, और और के बियारी सेलेक्ट कर yes, दिए ना और इस इस वजह से सिर्फ एक ही उम्मीद कि एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाए hmm. एक ही जगह पे मेरी गाइडेंस भी रहे hmm. स्ट्रेटजी भी रहे चीजें भी रहे तो कल आप कैंपस में जाकर के आए कैसा माहौल मतलब अब वो बिल्डिंग तो अभी ली है कैसी लगी बिल्डिंग वगैरह माहौल वगैरह कैसा लगा काफ़ी अच्छा माहौल था जैसे बच्चे भी मोटिवेटेड थे एक दूसरे को देख के वो भी मतलब पढ़ने का उनमें ये है कि सर उन्हें मतलब कुछ करना है देखना है एक दूसरे को देख कर और फैसिलिटीज वाइज भी मतलब काफ़ी अच्छा था और मतलब जैसे टीचर्स की क्लासेज हो रही हैं बच्चे जा रहे हैं उसके बाद डायरेक्ट कहीं नहीं जाना अपना रूम पे गए डायरेक्ट पास में है है तो ये नहीं है कि मतलब उनको टाइम वेस्ट नहीं हो रहा और एक है, तक का बना है।, बना रखा है तो उसमें आपसे मिल करके बड़े खुश हुए तो इस तरीके से आपकी तैयारी करवाई जाएगी आप टेंशन फ्री रहो बस आप मेहनती जरूर बने रहना इनसे इंस्पिरेशन लेना की मुझे भी इन जैसा बनना है सैल्यूट आपको सलाम है बहुत बेहतरीन आपने किया ना दिल हो गया आपके जो एस एस सी के एग्जाम सी जी एल सी पी ओस वो सब कैसे रहे मतलब किस तरीके से और सी जी एल दो हजार तेईस में मेरे तीन सौ पाँच नंबर थे पर मैंने सर पोस्ट प्रेफरेंस फिल नहीं की थी क्योंकि मतलब नहीं 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 नहीं। ये था कि अच्छी पोस्ट अच्छी नहीं, नहीं मिलेगी अपने की दिल्ली में और साउथ में फिर जाके किसी की क्यों वेस्ट करनी है और सी पी ओ दो हजार बाईस में भी दिया था सर मैंने उसमें मेरे तीन सौ इकतीस नंबर थे फिर मैंने उसमें भी वो पोस्ट प्रेफरेंस फिल नहीं की थी वो कि मुझे दिल्ली पुलिस ही चाहिए थी तो थी। मैंने दिल्ली पुलिस ही फिल की थी वो मुझे मिली नहीं थी सर तो देखो कामयाबी ऐसे नहीं कि एकदम से मतलब कुछ जादू हो जाता है और एकदम से ऊपर से टपक के आ कर के सेकेंड रैंक दिख जाता है कामयाबी के लिए बहुत कुछ फेलियर का सामना भी करना पड़ता है और बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है कि टारगेट फिक्स है कि मुझे यही चाहिए भाई है ना तो तो बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है लेकिन ये पक्का था कि मैं कर दूंगा ऐसा नहीं कि भी छोड़ भी दे पता चले आगे भी डिस्ट्रिक्ट कई बच्चे ऐसे करते हैं पिछले साल छोड़ दी कि भी अगले साल और अच्छी रैंक लूंगा पता चले अगले साल हुआ ही नहीं यस सर ना तो क्यों क्योंकि वो मेहनत करना छोड़ देते हैं इन्होंने और ज़्यादा पिछले साल से और ज़्यादा जबरदस्त तरीके से मेहनत की इसलिए इन्होंने जबरदस्त तरीके से आपके सामने बैठे हैं इतिहास रचते रहो आगे बढ़ते रहो और जैसे मतलब काफ़ी बच्चों को यह होता है कि मैं ये पोस्ट करूंगा ही नहीं जैसे हर साल सीआरपीएफ की ओ एस एस बी की ओ आई टी बी पी की सीट्स वेकेंट जाती हैं क्या बच्चे ऑप्ट तो कर लेते हैं इनके फिर उन्हें ये मतलब श्योरिटी होती है सर काफ़ी बच्चों की मैं ज्वाइन करूंगा ही नहीं बस दिखाने के लिए और वैसे वो पोस्ट फिल कर देते हैं तो वो मत करो भाई किसी को मतलब जो मिल रही है हाँ, तो उसको खराब मत करो ऐसे ही सी जी में जब आपको पता है कि मैं साउथ में नहीं जाऊंगा मेरा पहले एक पोस्ट पे रखा लेनी ले नहीं नहीं है मुझे वो तो उस पोस्ट को फिल मत करो किसी और को मिल जाएगी उसकी पूरी फैमिली की उसके मतलब सबका एक लाइफ चेंज हो जाती है कम्प्लीट फैमिली की आपकी जगह कोई किसी और को कामयाबी मिलेगी है ना थैंक यू थैंक यू सर